माननीय मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी, भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे इस आवासीय परिसर का श्री गणेश कर न सिर्फ हम सबका मनोबल बढ़ाया, न सिर्फ इस पूरे सीमा शुल्क परिवार का मनोबल बढ़ाया, बल्कि इससे यह भी इस बात पर भी द्योतक है कि मंत्री जी को हम सब की सीमा शुल्क परिवार के सुविधाओं की, उनके देखरेख की, उनके उनके बारे में कितनी चिंता रहती है। सर, आप आए, आपने उसका उद्घाटन किया, बहुत बहुत आभार पूरे सीमा शुल्क परिवार की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सर, आपका यहाँ आना, आपका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए एक गर्व की बात है, और इस अति उत्साह में हमारे कुछ साथियों के से, कुछ हमारे अधिकारियों से अगर कोई त्रुटि हो, मैं उन सब की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर कुछ इस आयोजन में या कहीं कुछ कमी रह गई हो। इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं हमारे माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी का, जो कि रक्सौल के मामलों पे, बेतिया की बातों पे इतने चिंतित रहते हैं। रक्सौल की बेहतरी के लिए, बेतिया के जनता की बेहतरी के लिए हम सबसे अक्सर नई चीजों पर चर्चा करते रहते हैं, कैसे हम इसको और बेहतर कर सके। सर, आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार हमको मिलता रहे तो हम सब इस जगह को, हमारे अपने जो भी हम सीमा शुल्क परिवार के तरफ से जो अच्छा कर सके, उसको और बेहतर कैसे कर सके, इस सब के लिए आपका मार्गदर्शन हमेशा हम सब के लिए स्वागत रहेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे वरिष्ठतम सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं सीमा शुल्क परिवार के, मेंबर सीबीआईसी श्री सुरजीत भुजबल सर, जिन्होंने दिल्ली से हम सब के बीच आकर इस पूरे पटना जोन सीमा शुल्क परिवार का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया, न सिर्फ हर चीज में हमसे शरीक होकर हम हमारी समस्याओं को समझकर, हमारी बातों को समझकर, और एक 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 कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेकर, और किस प्रकार सीमा शुल्क परिवार यहाँ पे कार्य कर रहा है, और इस कार्य में कैसे और हम बेहतरी कर सकते हैं राष्ट्र सेवा में, सर उपस्थित हुए, हम सबका मनोबल बढ़ाया। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा रक्सौल के विधायक जी श्री प्रमोद सिन्हा जी, श्री विधायक श्री उमाकांत जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर, इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति रखकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम सबका मनोबल भी बढ़ाया। आप सबके सहयोग से पटना सीमा शुल्क परिवार जिस प्रकार भी और जितनी ज्यादा हो सके अपने कार्य को और बेहतर करेगा और अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा। महोदय, अपने मुख्य आयुक्त की तरफ से और हम सब की तरफ से, चूंकि वो हमारे पटना जोन के मुखिया हैं, हम सब की तरफ से हम अपने अतिथियों को एक पटना परिवार की तरफ से, पटना सीमा शुल्क की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो भेंट करेंगे।
क्योंकि हम अपने इसके लिए अपने मुख्य आयुक्त को मैं निमंत्रण कर रहा हूँ कि वो माननीय मंत्री जी और सारे अतिथियों को पटना सीमा शुल्क की तरफ से एक छोटा सा भेंट प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।